हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के जो रैंक है वो अनाउंस कर दी गई है कि आप लोगों को क्या रैंक अलॉट हुई है आपके मार्क्स के बेस पर, या फिर जो डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसके बेस पर क्या आपको रैंक दी गई है वो आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो। जिस पोर्टल से आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस ऑप्शन पे जाकर साइन इन करके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से आप अपनी रैंक चेक कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका प्रेफरेंस चूज़ करने का। आपको अगर आपने डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है तो उसमें किस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, उसका जो प्रेफरेंस है वो आपको चूज़ करना होगा। और वो सब काम आपको लॉगिन करके ही करना है। तो उसका जो यूज़र मैनुअल है उसकी मदद से हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको जो है प्रेफरेंस चूज़ करना है। पहले एक नज़र हम शेड्यूल पे डाल लेते हैं। DOCU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको एक पॉपअप शो होता है। इस पॉपअप में लिखा हुआ है कि 5 बजे के बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो एक बार हम जो डिटेल एडमिशन शेड्यूल है उसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। डिटेल एडमिशन शेड्यूल जो है इनके अकॉर्डिंग जो आपका CET एग्ज़ाम जो रैंक लिस्ट है वो आपकी 11 सितंबर को आ गई है। ये आपकी 11 सितंबर को डिप्लोमा कोर्सेज़ की रैंक लिस्ट आ गई है और 13 सितंबर को जो अदर कोर्सेज़ हैं डिग्री लेवल कोर्सेज़ उनके भी आ जाएगी। प्रोसीजर सबका सेम ही रहता है पर डेट अलग है। UG कोर्सेज़ की 13 सितंबर को रैंक आएगी, ठीक है। UG कोर्सेज़ में कोई एंट्रेंस नहीं था, आपके मेरिट बेस एडमिशन थे। और जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उसमें एंट्रेंस हुआ था तो उसका जो रैंक है 11 सितंबर को आ चुकी है। अब जो प्रेफरेंस होगा वो आपका जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं वो 11 टू 18 सितंबर तक फिल कर सकते हैं और जो UG कोर्सेज़ हैं वो 13 टू 18 सितंबर तक अपनी जो प्रेफरेंस हैं वो फिल कर सकते हैं। और आपका फर्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट 21 सितंबर को आएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो 22 से 25 सितंबर तक चलेगा। तो ये जो शेड्यूल आपने देख लिया, अब जो हमारा मेन कंसर्न है कि आपको एक्चुअल में फ़िल कैसे करनी है प्रेफरेंस, वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैं जो है इसका जो यूज़र मैनुअल है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो आपको लॉगिन करना है, ठीक है जी। जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया था अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू साइन इन कर लेना। साइन इन जब आप करोगे उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, माय एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म और टेस्ट फॉर UG। फिर यहाँ पर है कोर्स प्रेफरेंस, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन ID और नेम वगैरह लिखा होगा। यहाँ पर व्यू के नीचे ऐड का ऑप्शन है ब्लू कलर में, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर कोर्स टाइप आपको चूज़ करना है, अपना फुल टाइम डिप्लोमा या फिर जो भी आपका कोर्स है, फार्मेसी वगैरह जो भी है। इसके बाद अपना नाम चूज़ करना है और ये कोर्स नेम है और कॉलेज नेम है। तो ये आपको चूज़ करना है, प्रेफरेंस देना है। जो भी आपको प्रेफरेंस देना है उसको आप लिखोगे और मतलब एंटर करोगे और ऐड बटन पे क्लिक करते रहोगे। अब सपोज़ करो आपने कोई कॉलेज ऐड कर लिया, कोई कोर्स ऐड कर लिए, ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद नीचे कुछ इस तरह से शो होगा, जैसे यहाँ पे 5-6 नाम शो हो रहे हैं। आप 1 by 1 एंटर करके ऐड बटन पे क्लिक करते रहोगे तो यहाँ पर नाम नीचे ऐड होते रहेंगे। पर आपको लगता है कि किसी ऑप्शन को ऐड करने के बाद आपका प्रेफरेंस चेंज करना है तो इसको ड्रैग करके भी, ठीक है, लॉन्ग प्रेस करके भी इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। किसी ऑप्शन को हटाना है तो उसके आगे डिलीट का टैब है, इस ऑप्शन को हटाकर भी आप डिलीट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप दोबारा से अपने प्रेफरेंस चूज़ करो, ये प्रेफरेंस आपको समझ नहीं आए, तो यहाँ पर क्लियर ऑल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इन सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हो और वापसी अपनी प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हो। याद रखें एक चीज़ कि आपको सारे प्रेफरेंस ऐड करने के बाद ये जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है सेव का, इस पर ज़रूर से क्लिक करना है। ये लाइन बार बार यहाँ पे बताया जा रही है कि आप लोग प्रेफरेंस ऐड करने के बाद सेव बटन पे ज़रूर क्लिक करें, उसके बाद ही आपकी प्रेफरेंस मानी जाएंगी। अगर आपने प्रेफरेंस भर दिया, सेव बटन पे क्लिक नहीं करा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेव बटन का ज़रूर से ध्यान रखें और सेव बटन से पहले पहले देखते रहें कि आपने जो प्रेफरेंस चूज़ करी हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करी है या नहीं। प्रेफरेंस में कोई चेंजेस करना है तो वो सेव बटन से पहले पहले आप लोग कर सकते हो, ठीक है। रिमेंबर योर प्रेफरेंस विल गेट सेव्ड ओनली व्हेन यू प्रेस द सेव बटन एट द बॉटम, ठीक है। ये चीज़ बार बार इस
पीडीएफ में लिखी हुई है, 6 पेजेस की पीडीएफ है, और 3-4 बार ये चीज़ बताई गई है कि सेव बटन पर ज़रूर से क्लिक करना है आपको प्रेफरेंस ऐड करने के बाद, ठीक है जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अगर कोई प्रेफरेंस डिलीट करना है तो डिलीट वाला टैब है, इस पर जाकर डिलीट कर सकते हो। तो सभी काम करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का, प्रिंट प्रीव्यू पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का आपके सामने प्रीव्यू वाला पेज खुल जाएगा, जहाँ पे दिखाएगा कि आपने कौन कौन से प्रेफरेंस चूज़ किए हैं, ठीक है जी। तो इसको आप देख लीजिएगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, उसका प्रिंटआउट पीडीएफ फॉर्मेट में भी रख सकते हो, अदरवाइज़ प्रिंटआउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट डेट्स मैं आपको इसकी ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रेफरेंस चूज़ करने की, तो ये काम अब आपको करना है जिनको भी रैंक अलॉट हुई है, ठीक है। तो बस यही दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।